इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी खूबसूरत बात अपनी किताब मुकाशफतुल कुलूब में नकल की है कि एक नौजवान और खूबसूरत औरत पे एक बंदा आशिक हुआ। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उस तक रसाई हासिल कर ले, लेकिन किसी तरह भी उस तक पहुंच नहीं सका। एक बार उसने सुना कि वो औरत एक काफिले में सफर कर रही है, तो वो भी दौड़ा और उस काफिले में शामिल हो गया कि कहीं जाकर तो मुझे मौका मिलेगा और मैं इससे बातचीत करूंगा, उस तक पहुंच जाऊंगा। काफिला चलता रहा, एक जगह पे काफिले वालों ने पड़ाव किया तो वो अपने उसी मंसूबे पे कारबंद था, वो इंतजार में था कि काफिले वाले सो जाएं तो मैं उसके खैमे में चला जाऊं। जब सारे सो गए, वो दौड़ा और उस खूबसूरत और जवान औरत के खैमे में दाखिल हो गया, उसको जगाया और उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं तुझसे अपनी जिस्मानी ख्वाहिश और शहवत को पूरा करना चाहता हूं। लेकिन वो औरत बड़ी दना और बाकिरदार थी। उसने कहा, अब तुम अगर आ ही गए हो तो जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे कर लूंगी, लेकिन पहले एक नजर जाओ और देख के आओ कि कोई जागने वाला तो नहीं है, कोई देखने वाला तो नहीं है, किसी को हमारे इस अमल का पता तो नहीं चल जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाए और बदनाम हो जाए। वो बड़ा खुश हुआ, वो दौड़ा, उसने पूरे काफिले को देखा, सारे सो गए, शादो फरहा लौट के वापस आया खुशी खुशी और उसे कहा कि सारे सो गए। लेकिन वो औरत बड़ी दना थी, उसने कहा इतना बताओ दुनिया वाले सो गए, क्या अर्श वाला भी सो गया है, क्या खुदा भी सो गया है, क्या वो नहीं देख रहा। तो जब उस औरत ने यह बात की कि क्या अल्लाह भी सो गया, अल्लाह की जात भी सो गई, तो इमाम गजाली लिखते हैं उस जवान पे कप कपी तारी हो गई, कांपने लग गया, डरा और तौबा की ओर भाग गया। और जब वो मौत से आई, फौत हुआ, तो किसी ने देखा जन्नत में जा रहा है, किसी ने पूछा तू तो बड़ा औबास किस्म का था, औरतों के पीछे भागने वाला था, गैर महरमों के पीछे दौड़ने वाला था, हुआ क्या है। तो उसने कहा उस जगह पर उसने वाकया सुनाया कि मैंने अल्लाह के खौफ से मैं डरा और गुनाह से बचा और तौबा की, अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की और अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी।